दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे चैनल अवेयर इंडिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी ज़रूर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आपको लेके चलते हैं जयपुर के शाहीन बाग यानी शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल पर, जहां पर पिछले चार दिनों से हज़ारों की तादाद में महिलाएं CAA और NRC को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। बच्चों के साथ में कई महिलाएं वहां पर रात को भी रुकती हैं। यहां पर बड़ी तादाद में रोज़ महिलाएं आती हैं, उसके साथ में पुरुष भी आते हैं। MP से आई एक छात्रा नूरेल खान ने बताया कि ये जो धरना चल रहा है, इससे हमें किसी इस बात का डर नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे को जेल में डाल देगी या हमें आगे हमारे परिवार का क्या होगा, इस बात का हमें डर नहीं है। आज देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, देश में जुल्म और ज्यादती की इंतहा होती जा रही है। हक की बात करने पर लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, बिना समझे किसी की बात को, लोगों की बात को वायरल करके उन्हें पकड़ा जा रहा है, तो कहीं किसी को आतंकवादी बनाया जा रहा है। हमारे देश की स्थिति इस वक्त बहुत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि ना रोज़गार है, ना GDP है, ना काम धंधे हैं लोगों के पास में। उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ झुंझुना देकर लोगों से बजवाती है कि ये शाहीन बाग का मुद्दा है, शाहीन बाग में ऐसा है, शाहीन बाग वैसा है। इस तरीके की बातें करने से केंद्र में बैठे लोगों की गरिमा दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। क्या नाम है ये वाल्मीकि जो है समाज और खटीक समाज और जाट महासभा के लोगों ने कल अपना आकर के अपना समर्थन व्यक्त करने का ऐलान किया है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये हमारा मूवमेंट जोर पकड़ता जा रहा है और हमें उम्मीद ये है कि ये जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग है, इसमें हम कामयाब हैं। मार्को साहब, आप भी यहाँ पर शामिल हैं, किस तरीके का ये जैसा कि यहाँ देखने को आप मिल रहा है कि यहाँ सभी समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में अपनी अपनी जो है तकरीरों में कह के जा रहे हैं कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, इस मुहिम के साथ हैं, इसमें तन मन धन सब तरह से हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और सभी धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं, तो हमें इससे ऐसा साथ है और यही इस मुल्क की दस्तूरी निज़ाम और दस्तूरी खूबसूरती है जिसको हम बरकरार रखना चाहते हैं और मुसलमान इसके लिए सबसे पहले आगे है, चाहे उसके लिए जान क्यों ना देनी पड़े। लोग हमें ताउन कर रहे हैं इसलिए कि आप जागे हैं, हमें खुशी है। और गैर मजहब वाले लोग मुस्लिम औरतों को देख करके कह रहे हैं कि वाकई हिजाब में इंकलाब आया और ये इंकलाब रुकना नहीं चाहिए। साहिब आलम साहब, कल भी शाहीन बाग के अंदर गोली चली और उससे पहले भी चली थी, JNU में भी एक बार फिर गोली चली थी, क्या कहना चाहेंगे इससे, क्या सरकार की नाकामी है? ये सरकार की नाकामी भी है और सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों के जिस तरह से बयान आते हैं, अभी आपने सुना होगा, जैसे मैंने कहा ये नागपुरी खटमल ये काटते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि इन जैसे मच्छरों की कोई औकात नहीं है। ज़रूर जैसे मच्छर के काटने से रिएक्शन होता है, इसी तरह के इनके बयानों से रिएक्शन होता है। लोग आवेश में आके बंदूकें उठा रहे हैं, ये तो ऐश कर लेंगे, लेकिन उन नौजवानों को क्या होगा? तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप इनके बहकावे में ना आए, आप हथियार ना उठाएं, आपका भविष्य गर्द में जा रहा है। ये मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये आपको रोज़गार नहीं दे सकती, ये सिर्फ आपको हथियार दे सकती है। हाँ, ये भी आया है कि ट्वीट किया गया है कि हम बात करने के लिए तैयार है, क्या कहना चाहेंगे अगर वो बात? आज हम यहाँ पे आए, मैं शाहीन बाग में आए, जयपुर के शाहीन बाग में, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर है, यहाँ पे मुझे बहुत डर है इस बात का। ये नहीं कि मुझे जेल में डाल देंगे, मुझे गोली मार देंगे, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि उन्होंने मेरे दिमाग में, दे हैव पुट अ डाउट इन माई हेड, दे हैव पुट अ क्वेश्चन ऑन माई वेरी एग्जिस्टेंस इन दिस कंट्री, दे हैव पुट अ क्वेश्चन ऑन माई बर्थ राइट, दे हैव पुट अ क्वेश्चन ऑन माई प्रोटेस्टिंग राइट इन दिस कंट्री। तो आज हम यहाँ आए उस डर को भगाने के लिए। इतने लोग हैं यहाँ पर, इतनी आप किन किन को लोगों को चुप करवाएंगे साहब? आपने किन आपने गोली चलवा दी जामिया में, आपने शाहीन बाग में गोलियाँ चलवा दी हैं, तो आपने सोचा आप शाहीन बाग को रोक देंगे? तो हम इस शाहीन बाग हम जयपुर में लेके आए हैं और ये शाहीन बाग हम हर इंडिया के हर एक कोने में लेके जाएंगे, ताकि हर शाहीन बाग हर स्टेट में से बोलेगा कि हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं और हम आपके बंटवारे से बटेंगे नहीं, हम एक साथ रहेंगे। धरना कब तक चलेगा?
ये जब तक चलेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक कि उनके कानों में ये बात पहुंच नहीं जाएगी कि हम सब एक हैं और हम आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे। दिल्ली में चुनाव होने वाले, चुनाव के बाद में धरना कार्यक्रमों की संभावना है? धरना तो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो उनकी छोटी छोटी टेक्निक्स है ना, जो ये सोचते हैं कि हम इनकी करवा के, अभी उन्होंने सेंटर ने बोला है कि इफ दे टॉक इन अ स्ट्रक्चर्ड वे वो शाहीन बाग से बात करने को तैयार हैं। आपको क्यों लगता है ये हुआ? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, इसलिए उनको लगता है हम बात करेंगे, हम उनका धरना बंद करवा देंगे तो शायद हमारी जीत हो सकती है। तो ये पूरी उनकी टेक्निक है एक लोगों की आवाज़ों को चुप करवाने की। वो सोचते हैं कि यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अनएजुकेटेड लोग हैं, तो हम उनके ऊपर भारी उनके ऊपर चढ़ के हम उनकी बातों को चुप करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज़ पे क्यों हमला करवाते हैं? क्योंकि यहाँ पे समझदार लोग हैं जो उनकी बात नहीं सुनेंगे। आपका नाम? माई नेम इज़ नूरैल खान।